कान के पर्दे का ऑपरेशन कब कराना चाहिए? यस दोस्तों, क्या मुझे कान के पर्दे का ऑपरेशन जरूरी है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये काम पहले कर दीजिए जिससे ऐसे अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहे, अगेन एंड अगेन नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आई एम एन ENT सर्जन, आई एम ए राइनोप्लास्टी सर्जन। जब हमारे ईयर के बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनका एक सवाल होता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरे बहुत पहले से है कान के पर्दे में छेद, कि इसमें ऑपरेशन की कहाँ से जरूरत है, मेरे को तो कोई इससे दिक्कत भी नहीं है। दोस्तों, पेशेंट जो बोल रहा है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है। वैसा दोस्तों आपको पता है, हमारा गोड ने हमारा ईयर बनाया है, हमारा नोज बनाया है, हमारा आईज बनाई है। तो ये जो सारा सिस्टम बनाया है, आईज बनाई है, अब आईज में पलके बनाई है आंख को प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर आपकी पलक डैमेज हो गई तो क्या हो सकता है? ऐसे ही हमारा ईयर जो है, हमारे ईयर के अंदर, हमारे अंदर के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एक पर्दा, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये भी बनाया गया। अब किसी कारण से उसमें डैमेज हो गया तो उसमें होल हो गया तो वो जो सारा ईयर अंदर का जो सिस्टम का जो हमारा प्रोटेक्शन था वो लॉस्ट हो गया। उस ईयर ड्रम के कारण जो हमारे को सुनाई देता वो हमारा लॉस्ट हो गया। एंड जो ये काम जो हमारा ये ईयर ड्रम कर रहा था, अंदर के सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो लॉस्ट हो गया। और जो हमारी नाड़ी, जो हमारी आवाज को दिमाग तक लेके जा रही थी, उसमें कंपन नहीं जा रही तो वो कमजोर हो जाती है। आप इसको इस बात से समझिए कि अगर आपके पास एक बहुत बढ़िया एक पेन है, अगर आप उसको डेली चलाते हो, चाहे एक मिनट ही चलाओ तो वो पार्कर कंपनी का है भी तो अच्छा चलेगा, लेकिन अगर आप उसको 5 साल अलमारी में रख दिया तो वो नहीं चल पाएगा। ऐसे ही जो हमारे कान की जो नर्व है, जो हमारे जो नाड़ी है, उसमें अगर कंपन नहीं जाएंगी तो वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। अब आप कहोगे मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरी नर्व कमजोर हो गई या मेरी नाड़ी कमजोर हो गई, मेरी तो नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप कान के पर्दे में होल है और अगर आप एकांत में बैठे हैं और आपके कान में सही या मक्खी नुमा या सही आवाज आती है, इट इंडिकेट ही दैट आपको जो है वो नर्व कमजोर होने लग गई है, कान में टिनाइटिस डेवलप होने लग गई है और ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती ही जाएगी, ऐसे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन सब कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हमें जो है ऑपरेशन कान के पर्दे का कराना चाहिए। पहला, हमारा जो बैरियर था सुनाई के अंदर जो फायदा है उसके, जस्ट टू गेन द हियरिंग, नहीं तो आपको जिंदगी भर हियरिंग एड लगाना पड़ेगा। हियरिंग एड के नाम से ही दिमाग खराब हो जाता है, मेरे को हियरिंग एड नहीं लगाना, बिकॉज दैट इज अ सोशल स्टिग्मा। एंड सेकंड, आपका कान के अंदर जो मवाद आ रहा है, जो पानी आ रहा है बार बार, उससे आपको जो है बचाव होगा, जस्ट टू प्रिवेंट द डिस्चार्ज इन द ईयर। एंड थर्ड, जस्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइफस्टाइल। आप बीच पे जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्किंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्दे में छेद है तो आप ये नहीं कर सकते, सो उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद में आपको दोस्तों जो है, अगर आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, BSF में जाना है, पायलट बनना है, तो आपके कैरियर आपका खुला पड़ा है, आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। सो एंड पेशेंट कहता है मेरे को तो इसमें कुछ भी नहीं जाना, तो भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, जब आप धीरे धीरे 45 या 50 के बाद जब आपका टाइम निकलेगा, उसके बाद वहां तक आते आते धीरे धीरे आपसे क्या है, जब आपकी डिक्रीज हियरिंग हो जाएगी, जब आपकी सुनाई कमजोर इतनी हो जाएगी कि अब आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गया, आप इसकी सर्जरी कर दीजिए, डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि वो पूरी सुनाई उसकी वापस ला सकता है। डॉक्टर पर्दा लगा सकता है, 80 साल के आदमी के भी पर्दा लग सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन उसमें सुनाई आएगी कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए क्या है, समय पे आपके अगर कान के पर्दे में छेद है तो आपको प्रॉब्लम है या नहीं, दोस्तों उसमें कान का जो है पर्दा हमें लगवाना चाहिए, टिम्पेनोप्लास्टी ऑपरेशन कराना चाहिए। अमूमन ये ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन होता है, 2-3 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है तो आप अपने चिकित्सक से बोलिए मेरे को दूरबीन का ऑपरेशन कराना है, जिससे मुझे दिक्कत नहीं हो, जिससे आपको गोड में ये जो बॉडी दी है उसका प्रोटेक्शन रहे, आपका जो है कान में आके दिक्कत नहीं हो। सो दोस्तों, देखा आपने कि हमें कान का पर्दे का ऑपरेशन कब कराना चाहिए।
ये जो सारे जो प्रॉब्लम है उनसे छुटकारा पाने के लिए ही कान का ऑपरेशन कराना चाहिए। अब दो तरीके के आदमी है, एक आदमी वो जो ये सारी समस्या माथे पे लेके ऑपरेशन कराए, दूसरा आदमी वो ये सब समस्या मेरे जीवन में आए ही नहीं, मेरे को पहले ही इलाज करा। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल टू यू, टू यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द ईयर ड्रम प्रॉब्लम। थैंक यू।